नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं बचे हुए चावल से नाश्ता बनाऊंगी, जो बहुत टेस्टी होगा। बिना बताए कोई जान भी नहीं पाएगा कि किस चीज़ से बना है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बनाते हैं। चावल का नाश्ता बनाने के लिए कुछ सामग्री ले लेते हैं। ये 2 कटोरी चावल है, पका हुआ चावल है। इस कटोरी से मैंने नाप लिया था, 2 कटोरी, छोटी कटोरी। ये दोपहर का बना हुआ चावल है, आप चाहें तो ताज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन चावल एकदम ठंडा होना चाहिए। चलिए अब इसको आलू को पहले मैश कर लेते हैं। इसको बड़े बाउल में डाल लेंगे, मैशर से मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से मैश हो गया है, अब इसी में चावल को डाल के भी थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। अभी चावल भी अच्छे से मैश हो गया है, अब इसको साइड कर देते हैं। अब इसमें बेसन थोड़ा सा डालेंगे, 2 टेबल स्पून, 1, 2। अब बेसन को थोड़ा सा भून लेते हैं तवा में रख के। अब गैस पे एक पैन रख दिया है, इसी में बेसन को डाल देंगे और इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना, केवल कच्चापन निकालना है इसका। 2 मिनट हो गए हैं, ये बेसन भून गया है। इसको मैंने एकदम लो फ्लेम में भूना है, ज़्यादा तेज में नहीं भूना है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, अब ये ठंडा हो जाए तब इसको डालेंगे। अब ये आलू और चावल जो मैश किया रखा हुआ है, अब इसमें कुछ और सामग्री डालेंगे, कुछ सब्जियां डालेंगे। ये आधी गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसको इसी में ऐड कर लेते हैं। ये एक मीडियम साइज का प्याज है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी डाल लेते हैं। ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको कद्दूकस कर लिया था, इसको भी डाल लेते हैं। ये 3-4 हरी मिर्च हैं, इसको डालेंगे, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, ज़्यादा तीखा ना होने पाए। ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती है। सब्जियों में मैंने प्याज और गाजर डाली है, आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, बीन्स और जो भी आपकी मनपसंद सब्जियां हों वो भी आप इसमें थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। ये 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर है, इसको भी डाल लेते हैं। ये 1/2 स्पून अमचूर पाउडर है, इसको भी डाल लेते हैं। 1/4 स्पून भुना जीरा पाउडर है, इसको भी डाल लेंगे। ये 1/4 स्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिए, ज़्यादा ना डालिए कि तीखा हो जाए। ये 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। नमक डाल लेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिए। अब बेसन ठंडा हो गया है, जो भून के रखा था मैंने, अब इसको भी इसी में डाल लेते हैं। बेसन आप बाइंडिंग के लिए डालते हैं। बाइंडिंग में आप बेसन की जगह कॉर्नफ्लोर या पोहा को पीस कर उसका पाउडर, उससे भी अच्छा बन जाता है, उससे भी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। अभी सारी सामग्री को हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हाथ साफ कर लीजिए, उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है ऐसे। इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे बढ़िया। मैंने इसमें अमचूर डाला था ना, 1/2 स्पून, आप चाहें तो उसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए अच्छा सा डो जैसे तैयार हो गया है। ये नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता कि चावल का बना हुआ है। अब हाथ साफ कर लेते हैं तो इसको बनाते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ऐसे करके। अब एक नींबू के आकार का टुकड़ा उठाएंगे ऐसे करके, अब इसको ऐसे गोल कर लेना है, टिक्की का आकार देंगे। ये देखिए, अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं।
अब इसी तरह दूसरा उठाएंगे। आप इसको गोल भी बना सकते हैं या थोड़ा लंबे आकार का भी बना सकते हैं, जैसे वो आपको पसंद हो। वैसे मैं टिक्की का आकार दूंगी क्योंकि मुझे कम तेल में फ्राई करना है। ऐसे मोटी इतनी रहे, ज़्यादा पतली भी ना रहे, बहुत मोटी भी ना रहे। अब इसी तरह सारे बना लेने हैं। अभी टिक्की बन के रेडी हो गई है। अब मैं इनको सेलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक पैन रख देते हैं, आप पैन की जगह कढ़ाई भी रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि सेलो फ्राई करना है। ये मैंने आधा कप डाला है इसमें। अब ऑयल गर्म हो गया है, अब इस टेस्ट करना हो तो थोड़ा सा इसको ऐसे करके डाल के टेस्ट कर लीजिए। ये देखिए हो गया है तेल। अब इसी में सारी टिकिया रख देते हैं ऐसे करके। सेलो फ्राई करने में कम तेल में बन जाता है सारी चीज़ें। अब इनको एक मिनट तक पकने देते हैं, उसके बाद इनको पलटेंगे। अब इनको ज़्यादा कुछ हिलाना नहीं है, धीरे धीरे ऐसे करके खिसका लीजिए। इनको देख लेते हैं पलट करके। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह स्पून की हेल्प से पलट लेना है ऐसे करके। इधर भी एक मिनट पकने देते हैं। अभी अच्छे से पक गई हैं, अब इनको बाहर कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इन टिकिया को आप मीडियम हाई फ्लेम में ही सारी निकाल लेनी है। अब इसी तरह दूसरी डालते हैं। अब इसी तरह सारी बना लेनी है। ये सारी टिक्की मैंने सेलो फ्राई कर ली है। मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इनको सर्व कर लेते हैं। ये मेरा बचे हुए चावल का नाश्ता बनके तैयार है। बहुत टेस्टी लगेगा, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि नाश्ता कैसा था। मैं इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर कितना अच्छा है ये। मैंने इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बिना बताए कोई जान नहीं पाता कि ये चावल का नाश्ता है। बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरा यह नाश्ता बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।